नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसके पति और ससुराल के लोगों द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर से दहेज लाने की मांग की जा रही है। महिला ने बताया कि जब उसकी शादी हुई थी, उस दौरान उनके पिता ने सामर्थ्य अनुसार ससुराल पक्ष को दहेज दिया, लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंची, उसके बाद से उस पर मानसिक दबाव पड़ने लगा और मारपीट भी होने लगी। दहेज के लिए प्रताड़ित कर रुपए की मांग किए जाने और जान से मारने की कोशिश किए जाने को लेकर एक महिला द्वारा एसपी को शिकायती आवेदन दिया गया। महिला सीमा अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी आज से 2 साल पूर्व खिल्लू अहिरवार के साथ हुई थी। शादी में पिता ने समर्थ के अनुसार दान दहेज दिया और 50,000 रुपए नकद दिए थे। विदा होकर जब महिला ससुराल गई, तब से सभी लोगों द्वारा तरह तरह से परेशान किया गया और मोटरसाइकिल तथा 50,000 रुपयों की मांग की, जिसके बाद मारपीट कर घर से भी निकाल दिया। महिला का एक पुत्र भी है, जिसकी उम्र 8 माह है। 20 जनवरी को परिवार के लोगों ने मिलकर एक राय होकर दहेज के लिए मारपीट की, गाली गलौज की और माता पिता को भी गालियां दी। महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि पति ने मारपीट करते हुए पेट में इतनी जोर से लात मारी, जिससे कि महिला बेहोश हो गई। इसके बाद परिवारजनों को बुलाया गया। महिला के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके पहले नौगांव थाने में आवेदन देकर सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाकर गुनाहगारों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। तकलीफ, दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपके साथ? मार पिटाई कर रहे। किसने की? पति ने। और बात को लेकर क्या हुआ था? माँ बाप को गाली दे रहे थे तो हमने रोका, मार दिया पैर। गाली क्यों दे रहे थे? कह रहे थे कि कम दहेज दिया और क्या मारा? गाड़ी नहीं दी। तो इसके पति ने मारा, जेठानी ने चप्पल मारी, मेरे सामने खुद मारी साहब। बच्ची ने दूसरे पड़ोसी से फोन लगवाया कर, मैं मौके पर पहुँच गया। मेरे को एक लठ मारा दमाद ने, मेरे को एक लठ मारा, लोग बगल ने मेरे को बचा लिया। मैंने फिर 100 नंबर फोन बुलाया, जब पुलिस आई, जब मैंने बच्ची को घर से निकाल कर गांव तक सुरक्षित पहुंचाया। इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट बने रहने के लिए जुड़े रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और लाइक व सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नमस्कार।